हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत स्पेशल। आइए देखते हैं। ये साबूदाना हमने ले लिया है कटोरी। इसको एक बाउल में डाल के अच्छे से धुल लेंगे। एक कटोरी है साबूदाना, मोटा वाला साबूदाना हमने लिया है। आप चाहें तो छोटा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमें मोटा वाला अच्छा लग रहा है तो हमने ये लिया है। और अब हम इसको पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे रगड़ के, ताकि इसका इसमें जो स्टार्च हो वो निकल जाए। ये देखिए, बस ऐसे रगड़ के धुल लेना है। धुल के सारा स्टार्च निकाल के दो तीन पानी से धुल के निकाल दीजिए। उसके बाद इसमें पानी डाल के, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए, हमने धुल लिया है। इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए, वाइट वाइट निकल गया है। इसको हमने दो तीन पानी से धो लिया है। धो के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। इसको ढक के साइड में रख देंगे। सामग्री ले ली है, मूंगफली के दाने हैं, टमाटर ले लिए हैं 4 से 5, और ये आलू है, गाजर है, हमने 1 गाजर ली है। आप क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको गाजर पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये 2 से 3 हरी मिर्च, मिर्च नहीं डालते तो काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और ये अदरक ले ली है, हरा धनिया धुल के ले लिए, आलू भी हमने धुल के ले लिया है, 2 आलू ले लिए हैं। और अब इसको हम आलू छील लिया है, छील के पानी से अच्छे से धुल लिया। धुल के हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए, छोटे छोटे पीस काटने हैं, और बड़े बड़े नहीं काटने हैं। काट के पानी में डाल देंगे। जब भी आप साबूदाना की ये रेसिपी बनाएं तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे आलू काटें, इससे आलू जल्दी पक जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। दोनों आलू हमने काट लिए हैं। काट के हम उसको साइड में रख देंगे। ऐसे ऐसे पानी में पड़े रहेंगे, नहीं तो काली हो जाएंगे। अब हम गाजर काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। बस ऐसे छोटे छोटे पीस में काटने हैं। इसको काट के तैयार कर लेंगे। और हरा धनिया, हरी मिर्च, हरी सामग्री काट के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम काटेंगे टमाटर। टमाटर हमने मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। इसको धुल के साफ कर लिया है, और इसको हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे। और ये देखिए, अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने घी डाला है थोड़ा, 2 चम्मच के लगभग घी डाल के, क्योंकि व्रत के लिए बनना है। आप चाहे तो अगर तेल खाते हैं, तेल यूज करते हैं, तो तेल भी डाल सकते हैं। तो घी डाल के हमने इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया है, 1/2 चम्मच लगभग। जीरा हमारा जब चटकने लगे तो इसमें, ये देखिए, जीरा चटकने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली दाने। मूंगफली दाने डाल के धीमी आंच पे भून लेंगे, एकदम स्लो कर देंगे फ्लेम। कढ़ाई गर्म है, नहीं तो दाने जल जाएंगे। दाने भून के इसी में हम ऊपर से आलू ऐड कर देंगे। देखिए, चलाते हुए भून लेंगे ताकि दाने जले ना हमारे। और जब आलू डालेंगे तो फ्लेम थोड़ा तेज कर देंगे। अभी हम धीमी आंच पे ही इसको भून रहे हैं। ये देखिए, दाने हो गए हैं, चटकने लगे हैं। तो बस दाने चटकने लगे तो उसके बाद आलू डाल दीजिए इसमें।
कटी आलू हमने रखी थी, पानी से निकाल के इसमें डाल दिया है और अब हम इसको ढक देंगे। देखिए आइए खोल के देखते हैं, एक बार फिर चला देंगे। आलू थोड़ा पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे गाजर, जो काट के लिए थी वो डाल दिया है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च नहीं खाते तो हटा सकते हैं, व्रत में। और गाजर वो हमने डाल दिया, अदरक डाली है, ग्रेट करके अदरक ले ली थी। और अब हम डालेंगे इसमें नमक, ये सेंधा नमक है, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है, तो सेंधा नमक हमने डाल दिया है क्वांटिटी के हिसाब से। और अब हम कटे टमाटर जो काट के लिए थे वो हमने डाल दिए हैं, डाल के चला के उसके ऊपर फिर ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे, इसको पकने के लिए रख देंगे। ये साबूदाना, ये देखें तक मेरा साबूदाना फूल गया है, ये देखिए, बस एकदम आसानी से दब जा रहा है, अच्छे से फूल गया है साबूदाना। ये कढ़ाई खोल के देखते हैं आलू पक गए हैं कि नहीं पक गए। अगर आलू पक गए हैं, ये देखिए आलू दब रहे हैं अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो साबूदाना सोख करके लिया है, ये साबूदाना हम इसमें मिक्स कर देंगे, मिक्स करके चला देंगे। देखिए नमक वगैरह हमने पहले ही डाल दिया है, और इसका व्रत में हैवी भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, चटपटा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाता है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। अब इसको पूरे मिक्स कर देंगे, चला के एक बार फिर ढक देंगे, फ्लेम बहुत हाई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे, नहीं तो नीचे तली में लग जाएगा, क्योंकि पानी हमने इसमें डाला नहीं है। तो इसको चला के ऐसे ही ढक देंगे, लगभग 5 मिनट पका लेंगे हम इसको। हो गया है, आइए देखते हैं खोल के। देखिए साबूदाना अच्छे से पक गया है और फूल भी गया है, ये देखिए। और आप साबूदाना चेक कर लीजिए, अगर दबा के देख लीजिए वैसे भी, और ये ट्रांसफरेबल भी दिखाई देने लगेगा। ये देखिए हाथ में मेरे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, बस ऐसा ही कुछ है। अब इसको हम चला के नीचे उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे फ्लेम, उसको नीचे उतार के इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। साबूदाना बिल्कुल रेडी हो गया है, व्रत में खाइए, बहुत ही टेस्टी है। सर्व कर लेंगे, से हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे, बहुत टेस्टी नाश्ता है। अब ऊपर से नींबू थोड़ा सा निचोड़ देंगे, और आप खाइए, एंजॉय करिए, और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी रेसिपी लगी आपको।